हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेंगलोर मेट्रो के बारे में, जहां केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कर्नाटका के चहेते मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को मैसूर रोड पर बेंगलोर मेट्रो की विस्तारित पर्पल लाइन का उद्घाटन किया। नम्मा मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण के तहत 7.53 किलोमीटर लंबी लाइन में 6 स्टेशन हैं। ये जो स्टेशन हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। जो पहला है वह नायंद हल्ली, दूसरा आर आर नगर, फिर ज्ञान भारती, फिर पट्टंगेरे, फिर केंगरी बस टर्मिनल और केंगरी हैं। यहाँ बता दें कि केंगरी से मैसूर रोड तक की यात्रा में अब महज 15 मिनट लगेंगे। सभी ट्रेनें जो बैयप्पन हल्ली से केंगरी तक केवल पीक आवर्स के दौरान ही चलेंगी। यहाँ पीक आवर्स का मतलब है सुबह 8 बजे से 11 बजे और शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे तक। और बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का अनुमान है कि यह लाइन स्टार्ट होने से लगभग 75,000 नए लोग इस खंड में यात्रा करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक लाइन बनने के लिए BMRCL मतलब बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ढांचागत कार्यों पर लगभग 1560 करोड़ रुपए और भूमि अधिग्रहण पर लगभग 360 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। नई पर्पल लाइन नायंद हल्ली से केंगेरी मेट्रो स्टेशन के बीच चलेगी। इस खंड का निर्माण फरवरी 2016 में शुरू हुआ था और अगस्त 2021 में चालू हो गया है, तो लगभग इसमें 5 साल का वक्त लगा। इस रूट पर मेट्रो की जो सेवा है यात्रियों के लिए वह 30 अगस्त से स्टार्ट होंगी। तो दोस्तों, आने वाले समय में यह एक्सटेंशन पर्पल लाइन का बेंगलुरु वासियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो साथियों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।